देश की आजादी से पहले ब्रिटिश काल में भारत में संसद बनने की शुरुआत कैसे हुई और इस लोकतंत्र के मंदिर को बनाने में कितना समय लगा, इसके डिजाइन भारत के किस ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट से ली गई है, क्या है संसद बनने की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। ये साल 1911 में ठंड का वो सीजन था जब इस अद्भुत इमारत को बनाने का आइडिया जहन में आया। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश शासन की ओर से कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। उस वक्त रायसेना हिल वाले इलाके को देश की राजधानी के रूप में डेवलप करने और एक जीता जागता शहर बसाने के लिए मुफीद माना गया। संसद की बिल्डिंग की आधारशिला भव्य राष्ट्रपति भवन के बगल में ही रखने का विचार आया, लेकिन मोंटागु जेम्स फोर्स रिफॉर्म्स 1919 के एडॉप्शन के बाद यह तय हुआ कि प्रतिनिधियों की संख्या यानी संसद की ताकत बढ़ाई जाए, जिसका मतलब एकदम साफ है अलग और भव्य संसद भवन की इमारत को नए सिरे से बनाना। 12 फरवरी 1921 को संसद भवन की आधारशिला रखी गई। तत्कालीन काउंसिल हाउस का उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट यानी प्रिंस आर्थर और भारत के तत्कालीन गवर्नर ने किया था। 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद संसद भवन की भव्य इमारत तैयार हो गई। ओपनिंग सेरेमनी यानी संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इस भवन के निर्माण पर उस समय 83 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मौजूदा संसद भवन का डिजाइन दो मशहूर आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर और सर लुटियंस ने तैयार किया। बहुत सारे विद्वानों और वास्तुविदों का विश्वास है कि इसमें 64 गोल खंबे मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। इसको बनाने में 2500 मूर्तिकार और राजमिस्त्री का योगदान रहा है। अंत में बिल्डिंग ने गोलाकार संसद भवन के रूप में आकार ले लिया। 64 योगिनी मंदिर के बारे में जो एक आम श्रद्धालु यहाँ पर आता है, जो एज अ टूरिस्ट आता है, सबसे पहले क्या कहता है कि इसका जो आकार है, ये जो गोलाकार, जिसकी वजह से ये बहुत इसकी मान्यता भी है, ये प्रचलित भी है, फेमस भी है, तो माना जाता है कि ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, इसी से प्रेरित होकर जो हमारी संसद है वो बनाई गई थी। और लुटियंस और बेकर्स ये दो वास्तुकार थे जिनकी तरफ से ये ढांचा ये तैयार किया गया था और इसी से वो प्रेरित हुए। तब से लेकर अब तक ये संसद भवन भारत के महान नेताओं और महान हस्तियों का कार्यस्थल रहा है, जिनमें से बहुत सारे नेता अब इस दुनिया में नहीं है। It was on the 15th of March 1967 that I resigned from the governorship of Jammu and Kashmir and was inducted by Shrimati Indira Gandhi in her cabinet as Minister for Tourism and Civil Aviation. And I think the Parliament, in fact, was in session at the time. And therefore, I must have entered Parliament because she introduced her new ministers. And that was the time I must have entered first. That means March in 1967. Since then, I had 40 years in Parliament. Maybe most of us who have been in the Parliament in early 80s, who have had an opportunity to see and meet and listen great parliamentarians of that time. Of course, that was a passing phase for those leaders, and we were just getting in. So we could watch them, we could listen them, we could see them, we could talk to them. Team News Nation.